पूजा पाठ हमारे देश में कब से चल रहा है ये ज्ञात नहीं है लोगों को, जब से सुन रहे हैं तब से चल रहा है। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये देवता हमारे यहाँ रहे हैं और हर युग में अवतार के रूप में भी हमारे बीच में मौजूद रहे हैं, ऐसा विवरण मिलता है। हिंदू धर्म में सब लोग किसी न किसी देवता से अपने आप को संबंधित कर किसी न किसी रूप में उसकी कभी न कभी पूजा करते हैं और या उसको याद करते हैं। पैदा होने के बाद सबसे पहले छठी की पूजा, फिर बरही की पूजा, फिर अगर मूल में पैदा हुए तो मूल शांति की पूजा। यह परंपरा और पूजा माँ को अपने होने का एक विशेष एहसास और संतान की समाज में आने की सूचना देने का एक बेहतरीन तरीका है। जैसे जैसे वक्त बीता रहता है फिर पूजाओं का अलग सिलसिला शुरू होता है, ससुराल में देवी पूजा, मायके में देवी पूजा, इस जैसे अवसर माने पूजा के साथ साथ सबको जोड़ने का भी काम हमें सालों से ये करते आए हम लोग, ये जोड़ते हैं ये पूजाएं। और यह आयोजन साथ साथ खाने चलने गीत गाने ढोलक बजाने का अवसर प्रदान करे, अजीब सा खुशी का एहसास कराते थे, पूरे गांव में पूरा माहौल बदल जाता। अब त्योहारों के आते हैं, त्योहारों का क्या करना, नवरात्रि में देवी पूजा, शिवरात्रि में शिव की पूजा, जन्माष्टमी में कृष्ण की पूजा, रामनवमी में राम की पूजा, दीपावली में गणेश दशमी की पूजा आदि, पूरा का पूरा गांव ही उसी तैयारी में लग जाता था। तो हिंदुस्तान मतलब गांव, क्योंकि पहले शहर केवल लोग नौकरी करने या पढ़ने के लिए जाते थे और अवसर मिलते ही लोग गांव भागते थे। पूरा गांव मतलब ये कि हर सामान कहाँ से आएगा तय, हर काम हर आदमी ये काम करना अलाउड नहीं था। अगर फूल आएगा तो मालिक यहाँ से आएगा, दिया आएगा तो कुम्हार के यहाँ से, पूजा की कई तैयारियाँ तो लॉन्ग के हाथ से होगा, और न्योता देने के लिए गांव में किसी बुलंद आवाज का आदमी होता था वही करता था, बोल के न्योता दिया जाता था, लिख के नहीं दिया जाता था पहले गाँव में। तो फिर हर गाँव में कोई ना कोई मंदिर अवश्य होता था जिसकी सुबह से घंटी से लोगों की सुबह होती थी और शाम की आरती के घंटे से पूरा गांव गूंज उठता था, लाउड स्पीकर की कभी आवश्यकता महसूस नहीं होती थी और आज भी किसी पुराने मंदिर में इसको उपयोग नहीं होता। शायद घंटे और आरती के समूह गान की तरंगों से दिन भर की उलझनों से छुटकारा मिल जाता था और दिन एक अच्छे रूप में दिन का अंत हो जाता था। दैनिक व्यक्तिगत पूजा सबकी अलग अलग होती थी, कुछ लोग दिन के हिसाब से देवती दिन के हिसाब से देवी देवताओं का चरण करना हमारी विशेष परंपरा रही है। पाठ एक अलग विधा है, कोई हनुमान चालीसा कोई दुर्गा चालीसा कोई सुंदरकांड का पाठ करता था, कुछ लोग अभी भी करते हैं। नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ, नवरात्र में एक रामचरित का नवा पराय पाठ होता था, नौ दिन में रामायण खत्म होनी थी, और एक कार्तिक मास में रामचरित का विशेष मासिक पाठ होता था, यानी एक महीने में उसमें रामायण खत्म होती थी। जो पुराने लिखा रहता था कि ये नवा पराय का पाठ क्या है, फिर मासिक कहाँ तक पढ़ना है, ये लोकप्रिय कथा सुनने की परंपरा बहुत लोकप्रिय है, जिसमें सत्यनारायण की कथा सबसे आगे है। रामायण बैठाना भी एक अलग आयोजन, पूजा पाठ कथा एवं अन्य धार्मिक आयोजनों ने अब तक किसी न किसी को रूप में जोड़ रखा हुआ है और आगे भी रखेगा अगर हम इन परंपराओं को नहीं भूले। फिर आते हैं किसी कार्य की सफलता के लिए पूजा करने का एक अलग रिवाज जो कि धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा, पहले लोग मनौती मानते थे। तो फिर बचपन में हमें भी एक ऐसी घटना से गुजरना पड़ा कि हमारी छठवीं दर्जे की भर्ती एक अच्छे स्कूल करने में थोड़ी परेशानी हुई और हम प्रतीक्षा सूची में रह गए। तो फिर हमने किसी ने कहा कि भाई हनुमान जी की आप पूजा करेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है। तो फिर हमने पहली बार विधिवत पूजा की शुरुआत की, जो भी उस उम्र में समझ में आता था, पहले स्नान करते थे, फिर घर के आंगन में एक थाली में जाके फूल तोड़ते थे, दो तरह के फूल, सफ़ेद रंग का फूल उसको शायद चांदनी का फूल बोलते हैं, नाम ही मुझे नहीं पता था, पर सफ़ेद रंग का फूल सुंदर था और एक गुड़हल का हमारे पास पेड़ था, तो उसी से हम पूरे थाली में पहले सारे फूल इकट्ठा करते, फिर एक सुंदरतम माला तोड़ते, जितनी सुंदर बना सकते थे फूल के डंठल को कैंची से काटना, घर में सुई धागा मांग के
पहले फूल की ऐसी घड़ी माला बनाते थे जो मालिक के लिए बनाना संभव नहीं था और मालिक के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी भी नहीं था। फिर एक शीशे में मढ़ी हुई बजरंग बली की तस्वीर जो माँ दुर्गा जी के साथ थी, वही मैंने आज ग्रुप में शेयर की है, ऐसी ही तस्वीर थी। उसमें हमने केवल हनुमान जी को चुना कोने में, अलग से मूर्ति की नहीं थी भाई, जहाँ मिले भगवान वही शुरू हो गए, उसकी पूजा शुरू कर दी। पहले जल छिड़क कर स्नान कराते, फिर खुद अच्छे से चंदन पीस कर, चंदन जब अच्छा से बन जाए तो उसको चंदन लगाते, माला चढ़ाते, प्रसाद लगाते, अगरबत्ती जलाते और इस सब के बाद हनुमान चालीसा का स्वस्त्र पाठ करते। यह क्रम शायद चलता रहा एक महीने तक, पर पूजा के समय ये भूल जाते थे कि पूजा क्यों कर रहे हैं और पूजा में ही परम आनंद की अनुभूत होने लगती। बजरंग बली ने निराश नहीं किया और हमारा एक दिन हमारा प्रवेश मनमांचित स्कूल में हो गया। तो इस घटना से पूजा में विश्वास पैदा हुआ, इसलिए नहीं कि मनोकामना पूर्ण हुई, इसलिए कि पूजा से एक अजीब सी खुशी और संतोष मिलता था। आज भी न किसी न किसी रूप में पूजा जारी है, बस परिवर्तन यह है कि मन से ज्यादा पूजा होती है, पर मन कभी कभी आज भी पुराने तरीके से पूजा करने को करता है और कभी न कभी जरूर संभव होगा। पूजा तो सभी लोग करते हैं, पर शुद्ध मन से पूजा बिल्ड नहीं कर पाते, और शुद्ध मन से की हुई पूजा से मनोकामना पूरी ना हो लेकिन मन को शुद्ध कर जाती है और हम सबको एक सत्कर्म करने को प्रेरित कर जाता है।